हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का ये जो एपिसोड होने वाला है वो काफी ज्यादा इंटरटेनिंग है और इसमें ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं जिसके बारे में आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुखद बात ये है कि अब इसके सिर्फ एक लास्ट एपिसोड ही बचा है और फिर ये सीरीज खत्म हो जाएगी। लेकिन इसकी कहानी इतनी अच्छी है कि इसका सीजन 2 जरूर आएगा। इसके पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यांगशु का उसके सबसे पहले वाला सोल पेट दिख जाता है और वो उससे मदद मांग रही होती है कि वो सोल कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से सील हो जाए और वो सोल पेट वापस से यांगशु की सोल पेट बन जाए। लेकिन यांगशु उससे काफी नाराज होता है और वो उसे इतनी जल्दी माफ करने वाला नहीं होता है। अब आगे यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम यांगशु को देखते हैं जो कि अपने पहले वाली सोल पेट को बुरा भला कह रहा होता है। लेकिन वो ये डिसाइड कर लेता है कि सबसे पहली बार जो उसने सोल पेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो इस अनुबंध को तोड़ देगा और जो उसका सेकंड सोल पेट मॉक्सी होता है वो अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट जरिए उसे अपना पहला सोल पेट बना लेगा। इसलिए वो मॉक्सी से कह रहा होता है कि बस मेरा वेट करो, मैं इस यूजलेस सोल कॉन्ट्रैक्ट को कैसे तोड़ता हूँ। अब आगे वो अपने पहले सोल पेट के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने ही वाला होता है कि यहाँ पे पासा पलटता है और हम देखते हैं कि चारों तरफ वो जो लताएं होती है वो जलने लगती है और यहाँ यांगशु ये सब कुछ जो देख रहा होता है वो सिर्फ उसका ड्रीम होता है जो कि उसी लॉर्ड जिया द्वारा रचा गया चाल होता है। लॉर्ड जिया का एक और सोल पेट होता है जो कि ड्रीम डेमन होता है और उसकी लताओं ने यहाँ यांगशु को चारों तरफ से जकड़ने के साथ साथ मोक्षी को भी जकड़ लिया होता है और उसी की वजह से ही यहाँ यांगशु को इस तरह के सपने आ रहे होते हैं। से वो ऐसा महसूस करने लगता है कि मानो को वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत में उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। आगे जो मोक्षी होता है उन लताओं से बचने के लिए यहाँ काफी ज्यादा स्ट्रगल करने लगता है। लॉर्ड जिया अपने बंदों और उसी ड्रीम डेमन के साथ वहाँ पे अपेयर होता है और मोक्सी से कहता है अगर तुम यहाँ पे ज्यादा स्ट्रगल करोगे तो मैं तुम्हारे मालिक को यहीं पे मार डालूंगा। अब आगे लॉर्ड जिया यहाँ यांगशु को ये सारे सपने इसलिए दिखलवा रहा होता है कि यांगशु सपने में ही मोक्सी के साथ अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे। एक बार जैसे ही सोल कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा जो नाइन टेल वाला फ्लेम फॉक्स है इसे वो लॉर्ड जिया अपना न्यू सोल पेट बना लेगा। अब बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होता है, यांगशु पूरी तरह से उन सपनों के वश में होता है और अब अपने फोर्थ सोल पेट के साथ वो उस अनुबंध पत्र यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने ही वाला होता है। दूसरी तरफ मोक्सी पूरी तरह से लाचार हो जाता है उन लताओं से बंधते हुए और यहाँ वो यांगशु को ऐसा करते हुए देखते ही रह जाता है, वो उसे रोक नहीं पाता। अब आगे मोक्सी उन ब्रांचेस को अपने फ्लेम फायर से जलाने ही वाला होता है कि वो जो लॉर्ड जिया होता है ये धमकी देता है एक तलवार को यांगशु पे तानते हुए अगर तुमने अपने आप को आजाद करवाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे इस मास्टर को मार डालूंगा। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे यांगशु ने अपने फोर्थ सोल पेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया होता है। इधर दूसरी तरफ मोक्सी काफी ज्यादा सैड हो जाता है और बिल्कुल निसहाय होते हुए उसे देखता ही रह जाता है। इधर दूसरी तरफ यांगशु को यहाँ पे होश आता है और वो सोचने लगता है कि आखिर उसने अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट क्यों तोड़ दिया। अब ये सब कुछ जो हो रहा होता है इससे पहले कि वो समझ पाता वहाँ जो तलवार उसके ऊपर तनी हुई रहती है वो उसके गले के आर पार कर दी जाती है। लेकिन सबसे अजीब बात देखने के हमें ये मिलती है कि जैसे ही वो लॉर्ड जिया यहाँ यांगशु को मार डालता है वो उसके साथ साथ उसके जितने भी आदमी होते हैं उन सभी को भी मार डालता है ये कहते हुए कि तुम लोग भी ट्रबल सम हो और सभी बोझ को मैंने एक बार में ही उतार दिया। अब आगे वो लॉर्ड जिया कहता है कि अब समय आ गया है कि मैं इस नाइन टेल वाले फ्लेम फॉक्स को अपना नया सोल पेट बना लूं। लेकिन इसे अपना सोल पेट बनाने के लिए मुझे भी अपने एक सोल पेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़ेगा तभी इस नाइन टेल वाले फ्लेम फॉक्स के लिए जगह बनेगी। और ऐसा करने के लिए वो अपने सेवेंथ सोल पेट के साथ अनुबंध को तोड़ देता है। वो सेवेंथ नंबर का सोल पेट एक टाइगर बर्ड होता है। वो नहीं चाहता था कि उसके सोल मास्टर के साथ उसका ये जो अनुबंध है वो टूटे। लेकिन वो लॉर्ड जिया इतना ज्यादा स्वार्थी होता है कि यहाँ पे मोक्सी को अपना सोल पेट बनाने के लिए टाइगर बर्ड के साथ किए गए सोल कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देता है। लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट टूटता है यहाँ सोल मास्टर के साथ साथ सोल पेट को भी काफी तकलीफ होती है के कारण लॉर्ड जिया भी काफी ज्यादा हर्ट हो चुका था। अब इसके कारण वो लॉर्ड जिया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस टाइगर बर्ड से कहता है कि अगर तुमने अभी सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसपे वो टाइगर बर्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के वहाँ से चला जाता है। अब जबरदस्ती यहाँ सोल कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने से यहाँ लॉर्ड जिया की जो सोल होती है वो डैमेज हो जाती है। अब इसे हील करने के लिए वो एक खास तरह का सोल हीलिंग कोर पीता है। लेकिन उसके ये लिक्विड पीते ही यहाँ फिर से पासा पलटता है।
अब ये लिक्विड और कोई नहीं बल्कि यांगशू के द्वारा ही वही नाइट स्लीप ग्रास से बनाया गया लिक्विड था। जिसे पीने के बाद किसी को अपने माइंड पे कंट्रोल ही नहीं होता है कि वो क्या कह रहा है या क्या करने वाला है। और अब वो अपने सामने यांगशू को जिंदा देखता है, जिसे समझ जाता है कि ये सब कुछ यांगशू का ही रचा गया प्लान है। और उस लॉर्ड जिया ने अभी अभी जो सोल कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया था, उसे टाइगर बर्ड के साथ नहीं बल्कि उसने अपने सबसे पावरफुल सोल पेट, क्योंकि वही डिमोनिक क्रिएचर था, उसके साथ ही सोल कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया था, जिसे वो डिमोनिक क्रिएचर उसे छोड़ करके चली जाती है। और अब उस लॉर्ड जिया को पता चलता है कि ये सब उस नाइट स्लीप ग्रास के पॉइजन का असर था। यहाँ पे वो लॉर्ड जिया नहीं जो कि यांगशू को सपना दिखा रहा होता है, बल्कि यांगशू के ही सपने में वो लॉर्ड जिया सपना देख रहा होता है। मीन्स की ड्रीम के अंदर ही ड्रीम चल रहा होता है। और ये सब तब से शुरू हुआ था जब यहाँ यांगशू को उस मिस्टिकल डियर ने उस नाइट स्लीपिंग ग्रास के ऑरा को चारों तरफ यहाँ पे फैला दिया था। अब आगे लॉर्ड जिया उससे कहने लगता है कि तुमने तो काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग तरीके से मुझे मात दी है। तुमने कब अपने ही ड्रीम में एक अनदर ड्रीम क्रिएट किया था, मुझे तो पता भी नहीं चला। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मुझे दूसरे तरीके भी पता है तुमसे डील करने के। कि तभी यांगशू उसका सामना करने के लिए अपने व्हाइट डेविल को समन करता है। वही व्हाइट डेविल है जो कि इतने सालों से यांगशू के अंदर ही रह रहा था और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को फीड कर रहा था। आज वक्त आ गया है कि वो यांगशू के लिए फाइट करे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस वीडियो पे 2K लाइक्स कर दो और इस वीडियो पे 50 से भी ज्यादा कमेंट्स चाहिए। जल्दी से हमारा ये टारगेट पूरा कीजिए ताकि आपको इसका अगला एपिसोड और भी जल्दी मिल सके, क्योंकि जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे वीडियो को, मैं और भी ज्यादा जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। अब वापस बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जब वक्त आ गया है कि वो यांगशू के लिए फाइट करे, अब उस व्हाइट डेविल का सामना करने के लिए इधर जो लॉर्ड जिया होता है वो अपने दो बीस्ट को समन करता है। इधर दूसरी तरफ यांगशू जो होता है अपने व्हाइट डेविल को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए अपनी एनर्जी उसके अंदर डाल देता है, जिससे उस व्हाइट डेविल का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और वो यांगशू का ही अवतार ले लेता है। अब आगे यांगशू का ये जो व्हाइट डेविल होता है वो ट्रांसफॉर्म होकर के मोनार्क लेवल तक पहुंच जाता है, जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल है। अब आगे वो लॉर्ड जिया पे अटैक तो करता है, इस पे लॉर्ड जिया अपने दो बीस्टों से कहता है कि तुम यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, इस पे काउंटर अटैक करो। उसका एक बीस्ट यहाँ मॉक्सी पे अटैक करता है और दूसरा बीस्ट यहाँ पे व्हाइट डेविल पे अटैक करता है। अब ये देख करके कि मॉक्सी अभी भी यहाँ यांगशू के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि यांगशू ने उसके साथ अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं किया था। इधर मॉक्सी अपने क्लोन टेक्निक का यूज करके उन दोनों बीस्ट को यहाँ पे हरा देता है, लेकिन वो फिर से उठ खड़े होते हैं, जिनका सामना करने के लिए व्हाइट डेविल आगे जाता है। अब आगे यहाँ उस व्हाइट डेविल के साथ हमें यहाँ एक अमेजिंग फाइट देखने को मिलती है, जहाँ पे लॉर्ड जिया का वो जो ड्रीम ड्रेमन के साथ साथ वो चार आंखों वाला जो बीस्ट होता है वो अब उस व्हाइट डेविल पे कूद पड़ते हैं। तभी उनके बीच के ये फाइट में यहाँ वो जो टाइगर बीस्ट होता है वो सामने आ जाता है। दूसरी तरफ जब मॉक्सी उसे बचाने के लिए जाता है, इधर से जो ड्रीम ड्रेमन होता है वो अपने ब्रांचेस से वापस से मॉक्सी पे अटैक करता है। इधर उसी वक्त वो चार आंखों वाला जो बीस्ट भी होता है वो भी मॉक्सी पे अटैक करने लगता है। मीन्स की ओवरऑल यहाँ इन चारों के बीच काफी घमासान से फाइटिंग होती है, जिसे लॉर्ड जिया देख करके खुन्नस के मारे कह रहा होता है कि तुम जैसे सोल पेट्स को पालना किसी बेवकूफी से कम नहीं है, क्योंकि इसे खत्म करने में तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इसे जल्द से जल्द खत्म करो। इसीलिए वो अब अपने सबसे भयानक सोल पेट को समन करता है, जो कि एक डेथ ड्रैगन होता है, और ये इस सोल पेट के सीरीज का अब तक का सबसे पावरफुल सोल पेट है, जो कि देखने में काफी अमेजिंग और काफी पावरफुल मालूम पड़ता है। आगे वो डेथ ड्रैगन जैसे ही आता है, जो कि अपने डेमन स्प्रिट एम्परर लेवल का है, जिसे यांगशू देख करके समझ जाता है कि ये लॉर्ड जिया का हुक्म का इक्का है, इसीलिए अब तक इसने छुपा करके रखा था। अब आगे उस डेथ ड्रैगन का सामना यहाँ मॉक्सी और यांगशू के व्हाइट डेविल के बीच होता है। वो ड्रैगन जैसे यहाँ मॉक्सी पे अटैक करता है, मॉक्सी इसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और अब अपने स्काई फ्लेम सेरेमनी को यूज करता है, के कारण वहाँ एक तेज आग की आंधी चलना शुरू हो जाती है। इधर दूसरी तरफ वो जो व्हाइट डेविल होता है अभी वो उस चार आंखों वाले बीस्ट से फाइट कर रहा होता है, कि तभी इन दोनों की फाइट के बीच में यहाँ यांगशू का डियर आ जाता है और वो उस बीस्ट का ध्यान भटका करके दूसरी तरफ ले जाता है। अब आगे वो जो लॉर्ड जिया होता है अपने फर्स्ट डिमन को समन करता है, जो कि एक ब्लू डेविल होता है। यहाँ यांगशू से वो कहता है कि अपने आप को सम्मानित महसूस करो कि तुम्हें ये ऑनर मिल रहा है कि तुम मेरे फर्स्ट डिमन के हाथों मारे जाओ। अब यांगशू के व्हाइट डेविल का सामना यहाँ लॉर्ड जिया के ब्लू डिमन के साथ होने वाला था।
अब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से भिड़ते हैं। व्हाइट डेविल जब उसे ब्लू डेविल पे अटैक करने के लिए आता है तो वो एक वॉल क्रिएट कर देता है। इसे यांगशो का डेविल कई बार अटैक करने के बावजूद भी उसे तोड़ नहीं पाता, लेकिन उस ब्लू डेमन के एक पंच से ही वो व्हाइट डेविल पीछे हट जाता है। इधर वो ब्लू डेमन को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए वो जो लॉर्ड जिया जो होता है उसे और भी ज्यादा पावर देता है, जिसके कारण अब जो ब्लू डेमन है वो यांगशो के व्हाइट डेविल पे अब हावी पड़ रहा होता है और वो उस पे लगातार अटैक्स करता ही जा रहा होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो ब्लू डेमन इतनी जोर से अटैक उस व्हाइट डेविल पे करता है कि यहाँ पे यांगशो की अंदरूनी सोल जो होती है वो भी इंजर्ड हो जाती है। अब आगे जो लॉर्ड जिया होता है उसने जो काम करना था वो कर देता है और अपने ब्लू डेमन को वापस ले लेता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि यांगशो के अंदर का जो व्हाइट डेविल था वो अब तक मारा नहीं गया था, सिर्फ इंजर्ड ही हुआ था, और हमें लगता है कि वो यांगशो को आकर के सहारा देते हुए उठाएगा। लेकिन यहाँ पासा तब पलट जाता है कि यांगशो का व्हाइट डेविल ही उसी के खिलाफ हो जाता है। वो यांगशो को ही खत्म करने के लिए उस पे एक जोरदार अटैक करता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं फिनिश होता है। सो गाइज, आज का एपिसोड काफी ज्यादा उतार चढ़ाव वाला था। क्या होने वाला है और कौन जीतने वाला है ये पता चल ही नहीं पाया, लेकिन आगे का जो एपिसोड है वो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होगा। और बस अब एक ही एपिसोड इसका बचा हुआ है, उस एपिसोड के लिए बस आपको थोड़ा सा ही वेट करना होगा, लेकिन हमारे लाइक टारगेट को जरूर से पूरा करना, क्योंकि जितनी जल्दी टारगेट्स पूरे होंगे मैं उतनी ही जल्दी वीडियो को अपलोड करूंगी। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।